गत दिनों डांस स्पोर्ट्स काउंसिल पंजाब और तरुण इवेंट्स की ओर से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में सेमी क्लासिकल और लोक नाच के राज्य स्तरीय मुकाबले करवाए गए। इन मुकाबलों में पंजाब भर के 15 जिलों से आए कुल 145 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सेमी क्लासिकल और लोक नाच को कुल 8 भागों में बांटा गया था। इस दौरान इवेंट के डायरेक्टर तरुण पाल सिंह ने बताया कि इन मुकाबलों का मुख्य मकसद नई पीढ़ी को अच्छे रास्ते पर डालना और उन्हें अपने सभ्याचार के साथ जोड़ना है। इन मुकाबलों के अलावा सभ्याचारक कला मंच की ओर से अपने अपने क्षेत्र के माहिर वरिष्ठ उस्तादों को सालाना सम्मानित करने की लड़ी के तहत 5 राज्य स्तरीय अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें डॉक्टर संतोष व्यास को कथक स्मार्ट अवार्ड, डॉक्टर रंजना छाबड़ा को कथक कला मंच अवार्ड, मास्टर सोहन लाल को लोक नाच अवार्ड, राजवीर सिंह मल्ली को लोक रंग स्मार्ट अवार्ड और गोल्डी रंधावा को सभ्याचारक कला मंच अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। वहीं विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी सर्टिफिकेट के साथ साथ नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर तरनपाल सिंह, जसप्रीत कौर, गुरसाहिब सिंह, चन्नी तकुलिया, गगनप्रीत सिंह, हरमन बांसल, कुणाल टंडन, ऋषभ अग्रवाल, समर्थ रावत, उशीन, युवराज सिंह, जस्सा सिंह, अर्शदीप सिंह, राज साकी भी मौजूद रहे। आज की ये सभा, नृत्य सभा, जिसका श्रेय जाता है तरुण को और पीयूष को, जिन्होंने बहुत एफर्ट्स के साथ पूरे स्टेट के लोगों को इकट्ठा किया और बच्चों की जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत सुंदर थी। लेकिन उसमें मुझे एक शिकायत है कि ये मुजरे वाले आइटम्स बच्चों से ना करवाएं और फिल्म वालों को कॉपी ना करें। वो तो फिल्म के लिए, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी चीज़ें, अच्छे भाव, सुंदरता, नृत्य की जो सुंदरता है वो मेंटेन करें, न कि कोई भी उठा के ऐसे भद्दे गाने जो हम सबको दुख हुआ होगा कि मुझे लगा कि मेरे नृत्य की तौहीन हो रही है। वो जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो कुछ भी शब्दों पे कर सकते हैं, उनको तो जो शब्द देंगे करेंगे, पर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दें और अच्छी भाव भंगिमा। हर बच्चा अपने आप में सुपर, सब बच्चों ने अपने आप से सुंदर भाव, क्या उनकी पावर थी, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन। लेकिन एक आध चीज ऐसी थी जो दुख लगा, मुझे कहना पड़ा, और तरुण और पीयूष दोनों को मैं बधाई देना चाहती हूँ जो पूरे स्टेट को जोड़ के रखे हुए हैं और इतनी मेहनत से हर एक का मन पूरा रखे कि किसी बच्चे को ट्रॉफी के बिना न जाए, कोई बच्चा बिना सर्टिफिकेट न जाए, ये बहुत बड़ी बात है इनकी। इसके लिए इनको शाबाशी चाहिए वाकई। तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और बुलाया। सत श्री अकाल शरण, मैं चन्नी तकुलिया प्रणव फूक डांसर हाँ। भंगड़ा पाँदा 1960 तो बाद 10 साल पंजाब स्टेट ने रिप्रजेंट किया, 2 बार इंडिया ने रिप्रजेंट किया, एशियन गेम्स का मैं स्टेट कोच से हूँ। तरन पाल होना जुड़िया है सभ्याचारक कला मंच के थ्रू डांस अकैडमी के सारा जरा डांसिंग लाइनस है, असं सारे इकट्ठे काम किया जा रहा है। तो बच्चों खूबसूरती दे नाल एक फोक डांस, ट्रेडिशनल फोक डांस है, उस वाल लिया जा रहा है एंड कंट्रोल करके उस तरुण अकैडमी के कोई 20 के करीब बच्चे जो है जो स्पैशलर हैं जो वर्किंग काम करते हैं इन। तो असी इस तरह के जी इवेंट्स कर रहे हैं, तरुण उन्होंने बहुत चंगा उपराला है। पिछले जे इन्होंने वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड रिकॉर्ड किया भंगड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑनलाइन जो सभ्याचारक कला मंच तरुण इवेंट्स का एक साझा उपराला से, जिद 1100 बच्चों ने पार्टिसपेट किया सारे दुनिया के बचों। तो इस तरह दिविटीज चलदिया रहनिया चाहिए ने ताकि बच्चे उल्टे सीधे कम ना पैन, तो बहुत वधिया रहिंदा। कुछ साढ़े पुराने साथी जिहड़े नाल जुड़े ने, नवे साथी जुड़े ने नाल, नौजवान जिन्हां ने काम करना है, तो सानू तो नाल इस करके भी असं नाल आ जाने इन्हों कि कहते ना वो जो पुराना कहावत हैगी है कि बरात बुढ़े ने भी ट्रंक पा के लै गए सी, कोई काम की गल दस दिता शायद, तो बच्चों के नाल थप्पे दिना नाल काम करते हैं, तो नाले अपने आप फिट महसूस करते हैं।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਸਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਨਪਾਲ ਜੀ, ਗੋਲਡੀ ਨਵਾਜ ਜੀ, ਐਮ ਰਾਈਟ? ਯੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ।